करें तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, हर छोटी छोटी चीज को देखने में जो चीज हमको चाहिए होती है उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो अब हम आए हैं हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करके, अब हम आए हैं 8.2 पे जो कि है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर हम देखेंगे कि जो सेल की एक्चुअल डिस्कवरी है वो किसने की थी। तो जो सेल की डिस्कवरी है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। इम्पॉर्टेंट है तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। अब देखिए सेकेंड पॉइंट, ही ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्ड बार्क ऑफ अ ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रूड माइक्रोस्कोप। अब उसने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया कि उसे सेल का पता चल गया, तो उसने जो हमारा ट्री होता है तो जो ट्री की जो कॉर्क होती है यानी कि जो उसकी बार्क होती है, यानी कि जैसे ये हमारा ट्री है तो इसकी ये जो बार्क है इसने यहाँ से एक सेल उठाई और इसने रैंडमली इसको एक स्लाइड पर लेके गया और इसको क्रूड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको बहुत सारा अजीब अजीब पैटर्न मिला उसके अंदर, एकदम हनीकॉम स्ट्रक्चर के जैसे, जैसे कि उसको ऐसी सेल्स मिलने लग गई, उसको ऐसी सेल्स मिलने लग गई। तो उसने बोला ये अजीब सी चीज है क्या, तो फिर उसने इसका बोल दिया कि ये सेल है। तो उसने बोला कि ये सेल है तो उसने कैसे कैसे इसकी स्टडी की कि सेल क्या होती है, इसने ऑब्जर्व किया था कॉर्क के ऊपर वो भी क्रूड माइक्रोस्कोप के नीचे, तभी उसको पता चला कि वो सेल थी। अब हम देखेंगे ही फाउंड दैट दीज सेल्स आर स्ट्रक्चर्ड इन द वे ऑफ हनीकॉम स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सेल्स थी यानी कि जो कॉर्क की सेल्स थी यहाँ पे इसने ढूंढी थी वो एकदम हनीकॉम स्ट्रक्चर के जैसी लग रही थी, यानी कि ये जो सेल्स है ये कुछ ऐसी लग रही थी। अब जो सेल का सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ये एक सेल है और इसके बीच में न्यूक्लियस होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो बाकी का पोर्शन होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इस पूरे को बोलते हैं सेल, जो बीच वाला है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आता है सेल की एनर्जी के लिए जिससे सेल हमेशा काम करती रहती है और हमें